जिनकी जिव्या के अग्रभाग में विद्यमान है उनका जीवन सफल हो गया है। पंचाक्षर मंत्र के जाप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अन्यजत्य अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। तो आइए मिलकर इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 12 पंचाक्षर मंत्र की महिमा। उसमें समस्त वड़मय की स्थिति, उनकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा, पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उनके समस्त और अस्त अक्षरों के ऋषि छंद देवता, बीज शक्ति तथा अंगन्यास आदि का विचार। देवी बोली, हे महेश्वर, दुर्जय एवं कलुषित काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति भाव से भवित चित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित कृतघन्य निर्दयी छली लोभी और कुटिल चित है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जाप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। हे देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है, भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित पावन इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? श्री महादेव जी ने कहा, हे सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। मैंने पहले इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वी कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, ईशान आदि पांच ब्रह्मा जिनके अंग हैं, उन षड अक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित हो, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे, मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरी पूजा करनी चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त ब्रह्मचर्य पारायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। हे देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रह जाता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र
पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः है मेरी शक्ति से फलित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदन अंतर मुझ में प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है, तत्पश्चात त्रिगुणा आत्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवंतर प्रलय होता है। उस प्रलय में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष सैया पर शयन करते हैं। उनकी नाभि कमल में पांचमुख श्री ब्रह्मा जी का जन्म होता है। श्री ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 ब्रह्म ऋषियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह श्री ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। इनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर पांच मुख धारण करने वाले मैंने श्री ब्रह्मा जी के प्रति एक मुख से एक अक्षर के क्रम से पांच अक्षरों का उपदेश दिया। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी अपने पांच मुखों द्वारा क्रमशः पांचों अक्षरों को ग्रहण किया और वाची याचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बात बताई। पद्धति से उस मंत्र का जाप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लगे रहते थे। वहाँ उनकी तपस्या चल रही थी। वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति कीलक षडगन्यास दिगबंध और विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महत्व से तपस्या में बहुत गए और असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस तरह उत्तम पंचाक्षरी मंत्र का स्वरूप का वर्णन किया गया है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उनके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। वह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। इसके पीन पायोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह चार भुजाओं और तीन नेत्रों से सुशोभित है। इनके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। दो हाथों में पन्ना और उत्पल है। अन्य दो हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न संपूर्ण आभूषणों से विभूषित श्वेत कमल के आसन पर विराजमान। इनके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इनके अंगों में पांच प्रकार के वर्ण हैं, जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत कृष्ण धूम्र स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग न हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान सुमुखी। यों इस तरह मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और पांचवे वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद हैं। वरान ने मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे गौतम अत्रि विश्वामित्र अंगिरा और भारद्वाज ये नरकादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री अनुपुष्टुम त्रिपुष्टुम बृहती और विराट ये क्रमशः पांचों अक्षरों के छंद हैं। इंद्र रुद्र भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा और स्कंद
ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। हे देवी,